हे गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने कोई सामान ऑनलाइन मंगाया है और वो रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया है तो उसको रिटर्न कैसे करें। तो अगर आपने अमेजोन से मंगाया तो सबसे पहले आपको अपने ऑर्डर पेज में जाना है। जो पार्सल आपको डिलीवर्ड हुआ है उस पर क्लिक करना है। उस पर रेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। रेटिंग के नीचे रिटर्न आइटम लिखा हुआ होगा। अगर वो डायरेक्ट रिटर्न वाला आइटम होगा तो वो रिटर्न लिखा होगा, और रिप्लेसमेंट अगर उसका होगा तो रिप्लेसमेंट लिखा होगा। तो अगर आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न कीजिए, रिप्लेसमेंट कीजिए करना है तो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट रिटर्न करना है तो रिटर्न पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे जाना है, इनएक्यूरेट वेबसाइट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है उस पर क्लिक करना है। कमेंट बॉक्स आएगा, कमेंट बॉक्स में लिखना है अनदर फ्रॉम वेबसाइट, और उसके बाद उसको अपलोड कर देना। अगर उसमें कॉल मी का ऑप्शन आता है तो आप उसे कॉल लगाइए। उधर से कस्टमर सर्विस का कॉल आएगा, आपको रिसीव करके उसे बता देना है कि क्या प्रोडक्ट मिला है। उसके बाद वो आपका खुद से रिटर्न पिकअप जनरेट कर देगा। अगर आपके पास कॉल मी का ऑप्शन नहीं आता है तो डायरेक्ट वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कीजिए नीचे, और जो टर्म एंड कंडीशन उसको एग्री कीजिए, और उसके बाद कंप्लीट कर दीजिए। बस इतना सा प्रोसेस होने के बाद आपका पिकअप जो है वो नेक्स्ट डे के लिए जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जो डिलीवरी बॉय आएगा, लगभग 98% चांस है कि वो आपसे वेरिफिकेशन नहीं करेगा कि क्या प्रोडक्ट मंगाए थे, क्या आया है, मेरे पास दूसरा दिखा रहा है, इस टाइप का कोई भी लैंग्वेज वो नहीं बोलेगा, और जो आप उसको दे रहे हैं वो ले लेगा। बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है। मैं खुद डिलीवरी बॉय हूँ, मैं खुद जाता हूँ कईयों के पास, तो उनके पास रॉन्ग आइटम आया हुआ होता है और वो जो है मुझे रॉन्ग आइटम देते हैं, लेकिन मेरे पास वेरिफिकेशन होता है राइट आइटम का जो कि कंपनी ने भेजा है। तो मैं उनको एक फ़ोटो दिखा करके, जो इमेज होती है वेरिफिकेशन की, वो दिखा करके उनको कहता हूँ कि ये विदाउट वेरिफिकेशन पिकअप जनरेट होगा, तो इसके लिए आप कस्टमर सर्विस पे बात कीजिए। तो अगर आप लोगों को नहीं आता है विदाउट वेरिफिकेशन पिकअप जनरेट करने, तो ये जो मैंने अभी प्रोसेस बताया है इस प्रोसेस पे आप आराम से विदाउट वेरिफिकेशन पिकअप खुद से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियो में और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।